हेलो स्टूडेंट्स, हेयर इज अनदर चैप्टर ऑफ योर हनीसकल बुक, चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नेम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, रिटन बाय ईवी लुकस. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. सो दिस लेसन इज अ मैसेज अबाउट हाउ डूइंग सिंपल थिंग्स कैन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजियर. लर्निंग वाइल डूइंग इज द बेस्ट वे टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. मोर ओवर, अदर दैन लर्निंग रूटीन थिंग्स, वी नीड टू मेक अवर सेल्व्स अवेयर एंड कंसर्न अबाउट अवर इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स. हाउ वी कैन मेक चिल्ड्रंस मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर सिटीजन. सो To know this, let's read the lesson. Do you know these words? If you don't find out their meaning, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. Look at the pictures in this unit and guess in what way the school may be different from other school. So, बच्चों, आज हम एक ऐसे स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से जो कि हमारे स्कूल से डिफरेंट होंगे. ओके, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर, वैसे डिफरेंट तो नहीं होगा क्योंकि स्कूलों में सेम थिंग्स ही सिखाई जाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सिखाया बताया जा रहा है, इसलिए अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल इस चैप्टर का नाम पड़ा है. सो इस चैप्टर में जो स्कूल की बात की जा रही है उसमें स्टूडेंट्स को सहानुभूति और एक दूसरे की सहायता करना सिखाया जाता है. मीन्स जब हम कोई काम करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करनी हमें चाहिए, यही इस चैप्टर के माध्यम से राइटर हमें बताना चाहता है. ठीक है, समझ आ गया. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक did the chance come to visit it. So the narrator, जो writer है, is saying, वो हमें बता रहे हैं that he had heard a lot about Miss Beam's school, but he got a chance to visit it the previous week. Narrator ने Miss Beam's के बारे में और उनके school के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज उन्हें एक ऐसा चांस मिला पिछले हफ्ते उस स्कूल में जाने का. उन्होंने बताया कि व्हेन आई अराइव देयर वाज नो वन इनसाइड बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her, then they passed away. So, जो narrator है वो बताता है कि when I arrived, after arriving in the school, जब वो school में पहुँचा तो the writer saw a girl of about 12 years of age. तो राइटर ने एक 12 साल की लड़की को देखा. Her eyes were covered with a bandage and she was being held by a little boy age 18. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और एक 8 साल का बच्चा उसकी मदद कर रहा था. She asked the boy about the writer and then they passed on. उस छोटी बच्ची ने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है और उस बच्चे ने डिस्क्राइब करके बताया मुझे कि विजिटर आया है और देन दे पास्ड ऑन और वो फिर वहाँ से चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. She asked the boy, और जो मिस बीम थी, मिस बीम ने बताया, said the real aim, मतलब मिस बीम बता रही थी, was at the I had expected a middle age, कि वो expected क्या करती हैं इन चीज़ों से. ठीक है,
तो वो बताती हैं, नैरेटर जैसे ही वो मतलब मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग. अब जो राइटर था उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी मिस बीम के लिए वो क्या थी, उसने बताया कि मिस बीम वॉज मिडिल एज्ड, डोमिनेटिंग येट फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. वो कैसी थी मिस बीम जो थी, वो एक एजड महिला थी, थोड़ी प्रौढ़ महिला थी, और उनके बाल जो थे वो सफ़ेद होने लगे थे, ठीक है. और वो कैसी थी, गोल मटोल थी, और वो ऐसे लोगों की भला कर रही थी, ऐसे लोगों का भला कर रही थी, ऐसे बच्चों का भला कर रही थी जो बच्चे कैसे थे, होमसिक चाइल्ड थे, ठीक है. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मैथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो कि कैसे थे, सिंपल थे और मेरे माइंड में वो चल रहे थे. तब उन्होंने उन क्वेश्चंस का जवाब देते हुए मुझे कहा कि नो मोर देन इज़ नीडिड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिटिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन. तब जब मैं उसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था तो उसने मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि दैट इन हर स्कूल, उनके स्कूल में दे टोट सिंपली, वो सिंपल पढ़ाती हैं, बाय हेल्पिंग देम टू लर्न सिंपल स्पेलिंग, एडिटिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. उन्होंने बताया कि वो अपने स्कूल में सिंपल तरीके से पढ़ाती हैं और उनकी मदद करती हैं उन्हें स्पेलिंग में, एडिटिंग में, सब्ट्रैक्टिंग में, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग स्केल में. द रेस्ट ऑफ द लर्निंग वॉज डन बाय रीडिंग टू देम एंड कंडक्टिंग इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे वर सपोज टू सिट साइलेंटली विदाउट मूविंग. वो क्या करती हैं, वो उनको सिखाने की कोशिश करती हैं जब वो शांत बैठते हैं और उनमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें करती हैं उनके साथ, जो उन्हें मज़ेदार बातें हों. मतलब ये कि वो उनसे क्या करती हैं, आपस में बातें करते हैं और उनको मज़ेदार बातें सिखाती हैं बिना किसी, मतलब ये करते समय उन्हें कैसा होता है, शांत बैठना होता है. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट ओ विल यू. तो वो कहती है मिस बीम, मिस बीम सेड द रियल एम ऑफ द स्कूल, वो जो वो कहती है कि इस स्कूल का जो एक रियल एम है, मुख्य लक्ष्य है, वो है थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस टूवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति कैसा होना, दया दिखाना और थॉटफुलनेस, अच्छा सोचना, ठीक है. द स्टूडेंट शुड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिससे क्या हो जाए, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए, या वो कहती हैं कि स्टूडेंट्स को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना ही उस स्कूल का क्या है, एक एम है. तो वो राइटर से कहती है लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम विंडो से बाहर देखो, और विल यू, यदि तुम चाहते हो, ठीक है. मतलब ये कि मिस बीम जो है लेखक से कहती है कि अगर तुम चाहो तो खिड़की से बाहर देख सकते हो. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. जैसे ही मैंने विंडो के बाहर देखा तो उसने बताया, वट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड. अब जैसे ही मैंने विंडो के बाहर देखा तो मिस बीम ने मुझसे पूछा कि तुमने उसके अंदर क्या देखा. लेखक ने बताया कि मैंने बहुत सुंदर मैदान और उसमें कुछ खेलते हुए बच्चे देखे, जो कि कुछ कैसे थे, हेल्दी थे, ठीक थे, और कुछ कैसे थे, नॉन एक्टिव थे, ठीक है. उसने बताया कि कुछ बच्चे, ही वॉज सैड दैट नोटिस सम चिल्ड्रंस who were not very healthy and active, जो कि कैसे थे, ठीक भी नहीं थे और कुछ बच्चे एक्टिव नहीं थे. ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को. Then
आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स आई सेड। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुमने क्या देखा, तो मैंने उनको बताया कि आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स मी थॉट टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। वेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बींग लेड अबाउट। She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. तब नैरेटर ने एक्सप्लेन किया, उसने बताया कि he was able to see beautiful grounds, many cheerful children. He was sad, noticed some children who were not very healthy and active. After coming in, he noticed a girl who had trouble with her eyes. Then he observed two more with the same kind of disability. He also noticed a girl with a crutch who was watching the other children at play. Perhaps she was lame. तब राइटर ने बताया कि कुछ बच्चे क्या थे, एक्टिव थे उन्होंने, और कुछ बच्चे क्या थे, नॉन एक्टिव थे। उन्होंने बताया कि जब वे स्कूल आए तो उन्होंने छोटी सी लड़की को देखा जिसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, मतलब वो कैसी थी, ब्लाइंड थी। ऐसे ही उसने दो लड़कियों को और देखा जो परेशान उसको नज़र आ रही थी। वहाँ एक और लड़की थी जो कि किस पर बैठी थी, बैसाखी पर बैठी, दूसरों बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, ठीक है, मतलब इतनी सारी बातें वो उसको बता रहे हैं। तब वो जो थी, ठीक है, उसने बताया कि सी सेम टू बी अ होपलेस क्रिपल, मतलब वो क्या थी, बैसाखी पर बैठी थी और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी, ओ नो शी सैड, शी इज नॉट रियली लैम, दिस इज ओनली हर लैम डे, द अदर आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज ओनली दियर ब्लाइंड डे। तो उसने बताया मिस बीम ने कि मिस बीम लाफ्ड एंड एक्सप्लेन, मिस बीम हंसी और एक्सप्लेन किया दैट सी वॉज नॉट लैम, रैदर इट वॉज हर लैम डे। उसने बताया कि वो लड़की क्या थी, अपाइज नहीं थी उसका जो था, इट वॉज हर लैम डे, उसका आज का जो दिन था वो अपाइज था। द अदर आर ऑल्सो नॉट ब्लाइंड बट आर ऑब्जर्विंग दे आर ब्लाइंड डे, शी लाफ्ड अगेन इट माई एस्टोनिस्ट लुक। और उसने बताया कि जो अन्य जो दूसरी लड़कियां हैं वो भी अंधी नहीं है, पर उनके लिए ये जो था आज का दिन वो अंधा या अंधत्व दिवस था, ठीक है, और यही उनकी क्या एक शिक्षा है। और वो क्या थी, उस राइटर पर दोबारा हंसी उसकी एस्टोनिश्ड लुक पर, जो कि वो आश्चर्य से बच्चों को देख रहा था। समझ आ गया, मतलब ये बच्चों की जो पैराग्राफ 7 है उसने एक्सप्लेन किया कि उसने पहले ग्राउंड में कैसे कैसे बच्चों को देखा। उसने बताया कि कुछ बच्चे क्या थे, नॉन एक्टिव थे, ठीक है, एक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे और बीमार नज़र आ रहे थे। उसने देखा कि दो लड़की क्या थी, खेल रही थी, बच्चे खेल रहे थे, और एक लड़की क्या थी, अपाइस बनकर बैठी हुई थी वहाँ पर और वो खेलने के लिए तरस रही थी। तो तब भी स्पीम ने उसको बताया कि वो जो लड़की बैठी थी वो अपाइस नहीं थी, बल्कि उसका जो दिन था आज अपाइस था। जैसे हमारे स्कूल में होता है कि आज आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, आज साइंस पढ़ेंगे और आज स्पोर्ट्स का डे है आपका, इसी तरीके से उन बच्चों के क्या थे, डे डिवाइड थे और उनको ये चीज़ें सिखाई जा रही थी। तो तब वो राइटर की, उसकी जो राइटर ने आश्चर्य से देखा तो उस पर वो हंस रही थी और उसको बता रही थी कि ये बच्चे ब्लाइंड नहीं है पर उनको सिखाया जा रहा है, आज का दिन उनका ब्लाइंड है। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम टू मेक अवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंडिंग मिसफॉर्च्यून। We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one in-ear day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all
learn so much this way, both the blind and the helpers. Thereafter, she explained that to make their children appreciate, accept, and understand fortune.
कर सकता था।